स्क्रीन सारे बच्चों को दिख रहा होगा आई होप। सबसे पहले देखें बेटे, आप लोगों के पेपर में जनरल इंस्ट्रक्शंस गिवन होती हैं। आपका क्वेश्चन पेपर दो पार्ट में डिवाइड होता है, ए और बी पार्ट में, और टोटल पेपर के अंदर 32 क्वेश्चंस होते हैं। 32 क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन पेपर, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चन करने आपके लिए कंपलसरी। तो बेटे सबसे पहले तो बच्चे इसी बात को ध्यान से समझे कि हमारे पास यहाँ पर टोटल 32 क्वेश्चंस हैं। बेटे हमारे पास टोटल यहाँ पर 32 क्वेश्चंस हैं। बच्चों आपने 3 घंटे में इन 32 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, इन 32 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो बेटे आप सबसे पहले तो इसी बात को समझें कि आपको 3 घंटे में जो टोटल लड़ाई करनी है वो 32 क्वेश्चंस के साथ करनी है, और लड़ाई भी ऐसी करनी है कि आपको जीतना है, और आपको जीतना ही पड़ेगा बेटे। मार्क्स लाना है तो आपको जीतना पड़ेगा, तो लड़ाई भी आपको ऐसे करनी है इन क्वेश्चंस के साथ कि आपको इन सारे क्वेश्चंस को हरा देना। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चंस आपके लिए कंपलसरी होते हैं। दिस क्वेश्चन पेपर कंप्राइजेस टू पार्ट्स ए एंड बी, देर आर 32 क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन पेपर, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। बेटे पॉइंट नंबर टू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे ध्यान से देखेंगे। पार्ट ए इज कंपलसरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स, जो भी विद्यार्थी अकाउंटेंसी के पेपर को अटेम्प्ट कर रहा है उसके लिए पार्ट ए को अटेम्प्ट करना कंपलसरी होता है। पार्ट बी में उसके पास दो चॉइसेस हैं। एक आप जो बुक पढ़ रहे हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और एक बेटे होता है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। ये बहुत कम स्कूल्स में लगवाई जाती है, और एक तरीके से कहा जाए तो बहुत ही कम बच्चे इसको अडॉप्ट करते हैं, लेकिन फिर भी सीबीएसई के पास ये भी एक 20 नंबर का ऑप्शन हमारे साथ रहता है। पार्ट बी दो पार्ट में डिवाइड होता है बेटे, एक एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उसी के बाद कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। तो हम लोगों के पास, तो हमारे बच्चों के पास तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, यानी सर हमें पार्ट बी के अंदर फर्स्ट ऑप्शन को देखना है, हमें पार्ट बी के अंदर फर्स्ट ऑप्शन को देखना है। हाँ बच्चों आपको पार्ट बी के अंदर फर्स्ट ऑप्शन को देखना है। ओके सर, हमें बात समझ में आ रही है। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे पास कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसके पास कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है। तो बेटे हमारे लिए पार्ट बी के लिए हो गया एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जी सर, तो पहले 3 पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस की, पहले 3 पॉइंट्स हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किए। बच्चों क्वेश्चन पेपर दो पार्ट में डिवाइड होगा, टोटल 32 क्वेश्चंस होंगे आपके सामने, टोटल 32 क्वेश्चंस है बच्चों के सामने, सारे क्वेश्चंस आपके लिए कंपलसरी हैं। पार्ट बी दो ऑप्शंस आपको देगा, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और सेकंड ऑप्शन आपको दिया जाएगा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का। तो बेटे दोनों में से एक ऑप्शन आपके पास होता है, और आप लोगों ने एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ले रखा है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग को नहीं लिया है। ठीक है सर, पॉइंट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 to 13 यानी पार्ट ए में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 13 तक, और पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर 29 तक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो एक नंबर के, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जो एक नंबर के। क्वेश्चन नंबर 1 to 13 और 23 से 29 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, और वो सारे एक नंबर के। ओके सर, सर यहां पे वर्ड लिखा है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के अंदर एमसीक्यू मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप्स के जितनी भी टाइप्स हैं वो सब आ सकती हैं। हाँ बेटे अभी हम उसकी डिटेल चर्चा करते हैं।
यानी सर पार्ट ए में क्वेश्चन नंबर 1 to 13, पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 23 से 29। अगर आप ये अपने साथ लिखते जा रहे हैं तो बेटे आप लोगों के लिए बहुत बेहतर होगा। आप लिस्ट बनाना सीखें कि कैसे लिस्ट बनानी है, तो आपको बहुत क्लैरिटी आएगी कि क्वेश्चन नंबर 1 से 13 एक नंबर और क्वेश्चन नंबर 23 से 29 एक नंबर आपके एग्जाम में, कैरिंग 1 मार्क ईच क्वेश्चन। आगे चलते हैं बच्चों, पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 30 तक आर शॉर्ट आंसर टाइप। ये सारे क्वेश्चंस 3 नंबर के हैं बच्चों, 3 मार्क्स ईच। ये सारे क्वेश्चन 3 नंबर के हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 14 एंड 30, ये देखो बेटे, पार्ट ए में क्वेश्चन नंबर 14, पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 30। पार्ट ए में क्वेश्चन नंबर 14, पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 14 एंड 30 आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कैरिंग 3 मार्क्स ईच। पॉइंट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 18 और क्वेश्चन नंबर 31 पार्ट बी का, क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 18 बेटे 15 से लेकर 18 ये पार्ट ए में आपको मिलेगा और क्वेश्चन नंबर 31 ये आपको पार्ट बी में मिलेगा। आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कैरिंग 4 मार्क्स ईच। कैरिंग 4 मार्क्स ईच। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 14 और 30 3 नंबर में है, क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18 4 क्वेश्चन हो गए, 15 से लेकर 18, 15, 16, 17, 18 और क्वेश्चन नंबर 31 5 क्वेश्चन। सर ये सारे क्वेश्चन बेटे ये आपके लिए 4 नंबर के। कैरिंग 4 मार्क्स ईच। पॉइंट नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 32। क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 32 ये बेटे लॉन्ग क्वेश्चंस आ गए हमारे पास 6 मार्क्स। ये लॉन्ग क्वेश्चन है बेटे 6 नंबर। पार्ट ए में क्वेश्चन नंबर 19 और 20 और पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 32 ये बेटे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और बेटे ये 6 मार्क्स 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22, पॉइंट नंबर 8 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, कैरिंग 8 मार्क्स ईच 8 नंबर के लिए। यानी सर पार्ट ए में 2 क्वेश्चन 8 नंबर के आने हैं। हाँ बेटे, पार्ट ए में 2 क्वेश्चन आपके पास 8 मार्क्स के लिए आने हैं, क्वेश्चन नंबर 21 और 22, क्योंकि 23 से तो 1 मार्क का शुरू होगा पार्ट बी का। यानी सर हमें इस बात को अच्छे से पढ़ना है, हमें इस बात को अच्छे से देखना है कि क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22, 21 और 22 ये बेटे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं और ये 8 मार्क्स के लिए आना है। सर अभी तक क्या होता था बेटे, मैं आपको ये बताऊं कि अभी तक 8 मार्क्स में एक तो कंपनी अकाउंट से प्रोराटा का क्वेश्चन आता था और बेटे 8 मार्क्स से एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ये अभी तक का ट्रेंड था बेटे। इस साल तो चलो कोरोना की वजह से कुछ सिलेबस के अंदर चीजें चेंज हुई हैं, लेकिन अभी तक तो बेटे ये 8 मार्क्स के अंदर प्रोराटा और एडमिशन ये बेटे फिक्स क्वेश्चन होते थे हमारे सामने। एडमिशन के साथ रिटायरमेंट में चॉइस आया करती थी, रिटायरमेंट का क्वेश्चन चॉइस में देते थे। ये हमारे पास अभी तक का, लास्ट ईयर तक का तो ये ट्रेंड था, इस साल देखते हैं अभी अभी हम बात करते हैं उन सारी चीजों की। एक और इंपॉर्टेंट चर्चा बेटे, देर इज नो ओवरऑल चॉइस पेपर में बेटे, कोई ओवरऑल चॉइस नहीं है। ऐसा नहीं है क्वेश्चन नंबर 1 कर लो या क्वेश्चन नंबर 2 कर लो, ऐसा कुछ नहीं है बेटे, ओवरऑल कहीं कोई चॉइस नहीं दी गई। हाँ लेकिन आपके सामने बेटे इंटरनल चॉइस दी गई,
इंटरनल चॉइस आपको दी गई है, प्रोवाइडेड इन टू क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स, 2 क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स एंड 2 क्वेश्चंस ऑफ 8 मार्क्स। 8 नंबर के क्वेश्चन में चॉइस है, यानी सर प्रोराटा के 2 क्वेश्चन आएंगे, प्रोराटा के अंदर 2 क्वेश्चन आएंगे, कोई भी एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा। मान लो बेटे, मैं एज्यूम कर लेता हूं, मान लो एज्यूम कर लो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर भी अगर 8 मार्क्स में आ रहा है तो वहां भी 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं, एक एडमिशन और एक रिटायरमेंट, उन दोनों में से एक आपको चॉइस करनी पड़ती है। यानी सर जो इंटरनल चॉइस मिलेंगी वो हमें मिलेंगी 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स वाले में, 3 नंबर के जो 2 क्वेश्चन है उसमें, और 2 क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स और 2 क्वेश्चन ऑफ 8 मार्क्स। यहां पे आपको चॉइस दी जाए तो बेटे हमारे पास पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, 5, 6, 7, 8 और पॉइंट नंबर 9। अभी तक की गई इन 9 पॉइंट्स की चर्चा में किसी को कोई डाउट है तो बच्चे मेरे को मैसेज करें, वरना मुझे आगे चलने की परमिशन दें। बेटे प्रोराटा का क्वेश्चन इश्यू ऑफ शेयर्स, जहां से हम लोग करवा रहे हैं, इश्यू ऑफ शेयर्स का लास्ट टॉपिक प्रोराटा ही है बेटे। चलो बच्चों को अपने पेपर का ढांचा तो समझ में आ गया कि उनके पेपर में आने वाला जो क्वेश्चन पेपर है वो किस तरीके से डिवाइडेड होगा, किस तरीके से बच्चों को वो करना है। तो हमारे बच्चे समझदार हैं, मुझे लगता है उन्होंने नोटबुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 32 तक लिखेंगे, फिर बेटे वो उस क्वेश्चन के आगे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, आप उसके आगे लिखेंगे बेटे 1 मार्क। हमें याद हो पहले 13 क्वेश्चन 1 नंबर, फिर 23 से लेकर और 29 तक जो क्वेश्चन आएंगे वो 1 नंबर, सब मेरे माइंड में हो, एकदम पिक्चर क्लियर हो कि आज मुझे जाकर 32 बॉल खेलनी, 32 बॉल्स आज हमारे को खेलने के लिए मिलेंगे। बेटे कुछ बाउंसर्स भी होंगी, कुछ यॉर्कर भी होंगी, आपको सबको खेलना है। अब आपको उसी के लिए प्रैक्टिस करनी है कि अगर बाउंसर है तो बेटे आप हुक शॉट लगाएंगे, नहीं तो अपने आप को डक आउट कर लेंगे, बॉल पीछे जाने दे, कोई दिक्कत नहीं है, आप चॉइस में चले जाओ। अगर नहीं समझ में आ रहा बेटे सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ, चॉइस पे आ जाओ। लेकिन अगर आप ऐसा करें कि बेटे क्वेश्चन आ रहा है और आप बिल्कुल हार मान ले और हार मानते ही आप क्लीन बोल्ड हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी। तो आपके सामने 32 बॉल्स की बात है बेटे, सिर्फ 32 बॉलों का सामना करना है, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बेटे, 32 बॉल बहुत बड़ी बात है ही नहीं। अगर मेरे साथ थोड़ी सी मतलब आप टाइम मैनेजमेंट के साथ काम करें और थोड़ा स्मार्टली पढ़ाई करें, स्मार्ट मैनेजमेंट, स्मार्ट वर्क थोड़ा सा कर लें, तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि अभी तक की गई पढ़ाई में जो अपने अभी तक अकाउंट्स में पढ़ा है, अगर आप देखें बेटे तो एडमिशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ रिवेल्युएशन के अंदर मैं कह सकता हूं कि उनके पास अलग अलग एंट्रीज हो सकती हैं, वरना कैपिटल अकाउंट के अंदर सेम एंट्रीज चलती रहती हैं। गुडविल की ले देकर, गुडविल का पूरा मतलब सब कुछ देख लें तो गुडविल के सिर्फ 5 केस हैं, जिसमें से 3 केस इंपॉर्टेंट केस में चलते रहते हैं, या तो वो गुडविल का पैसा लाता है या वो नहीं लाता है या वो विड्रॉ कर लेता है, बस इसके अलावा कोई क्वेश्चन वो डालते नहीं बार बार। तो अगर आप थोड़ी सी स्मार्ट मैनेजमेंट लाएं, स्मार्ट वर्क लेकर आए, तो आपको खुद को पता लग जाएगा कि आपके आने वाले एग्जाम में क्या चीज इंपॉर्टेंट है और क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है बेटे, जिसको नहीं पता लगेगा उसके लिए हम लोग बैठे हैं बेटे, हम आपको बताएंगे, लेकिन एटलीस्ट बस आपको ये पता हो कि आपको 32 क्वेश्चंस करने हैं, पहले 13 क्वेश्चन 1 नंबर के, फिर 23 से 29 1 नंबर के, क्वेश्चन नंबर 14 और 30 हमारे पास 3 नंबर में आने हैं, क्वेश्चन नंबर 15 से 18 और क्वेश्चन नंबर 31 4 नंबर के लिए आना है, क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 32 6 नंबर के लिए आना है, और 21 और 22 8 नंबर के लिए आना है। अब ये चॉइस आपको करनी है कि हम पहले 1 मार्कर कंप्लीट कर लें या हम पहले 8 मार्क्स कंप्लीट करें, हम पहले 6 मार्क्स कंप्लीट करें, वो चॉइस आपकी है कि सर पहले हम 8 नंबर वाला करेंगे, उसके बाद एमसीक्यू पर आएंगे, फिर 6 पे जाएंगे, फिर 4 पे जाएंगे और उसके बाद 3 नंबर पर आएंगे,
या हम पहले 3 4 6 करेंगे, फिर हम करेंगे 8 नंबर, फिर करेंगे 1 नंबर, वो आप लोगों की अपनी प्रैक्टिस और अपनी चॉइस पर रहेगा कि आप लोग किस तरीके से पेपर को कंप्लीट कर सकते हैं। वो सारे बच्चों की एक अपनी अलग स्ट्रेटेजी होती है। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ अपनी स्ट्रेटेजीज को डिस्कस कर लूंगा, और वो बेटे बोर्ड एग्जाम के टाइम पर जब हम लोग फाइनली चल रहे होंगे फरवरी के आसपास, तब मैं आपके साथ वो सारी बातें डिस्कस कर लूंगा कि अगर पेपर इस तरीके के आते हैं तो आपको किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है, और अटेम्प्ट करना भी होता है तो उसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है जिससे कि आपको मार्क्स पूरे दिए जाए। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई डाउट नहीं है, अब हम लोग पेपर की तरफ आते हैं। ठीक है, 2 मिनट रुके आप लोग। अगर आपकी स्क्रीन पर पेपर शो हो रहा है तो आप प्लीज मेरे को मैसेज करें। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है बेटे। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें एक बार। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें बेटे। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट डेल्ट थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं बेटे आगे की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह ही नहीं रहा हूं कि आप मुझे इसका आंसर बताएं। मैं तो सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि पहला क्वेश्चन 1 मार्कर में फंडामेंटल से आ गया। सर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स की कमीशन, पार्टनर की सैलरी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, हमें इन चारों में से ये ढूंढना है कि कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता। यानी सर हमारे पास पहला क्वेश्चन फंडामेंटल से आ गया। बेटे अगर आप लोग समझदारी से काम कर रहे हैं, अगर आप लोग समझदारी से काम कर रहे हैं तो आप क्या करें, आप इसके आगे फंडामेंटल लिख दें कि एक क्वेश्चन फंडामेंटल से आ गया, पहला क्वेश्चन फंडामेंटल से आया। दूसरा क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स इज यूज्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स इज यूज्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है वो एडमिशन के टाइम पर कहाँ यूज होती है। When new partner brings only a part of his share of goodwill, when new partner is not able to bring his share of goodwill, when at the time of admission goodwill already appears in the balance sheet, when new partner brings his share of goodwill in cash. आप देखे बेटे point number A, B और C में तो sacrificing ratio का use होता है। Already appear जो goodwill होती है उसको write off करने के लिए हमें old ratio का use करना पड़ता है, जब हम उस partners को आपस में write off करते हैं। यानी सर सेकंड क्वेश्चन हमारे पास एडमिशन से आ गया। थर्ड क्वेश्चन कंपनी अकाउंट से आ रहा है बेटे, थर्ड क्वेश्चन कंपनी अकाउंट से आ रहा है, देख लो आप लोग। रिजर्व कैपिटल इज नॉट अ पार्ट ऑफ, सर अभी हमने थ्योरी नहीं पढ़ी है। हाँ बेटे मैं मानता हूं अभी आपने थ्योरी नहीं पढ़ी, मैं मना नहीं कर रहा। स्पोर्ट्स स्टार चैरिटेबल क्लब हैज इनकम ऑफ 16,000 डेफिशिएट, सर एनपीओ आ गया। आप लिखते जाएं बेटे साथ साथ, फिर आपको बाद में पता लग जाएगा कि टोटल वेटेज कैसे कैसे बनाई जा रही है। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, सर डिसोल्यूशन आ गया। सर कंपनी अकाउंट्स आ गई, फोर फीचर की बात कर रहे हैं। On the basis of the following data, how much final payment will be made to a partner firm for dissolution? Dissolution आ गया सर। सर अरुण एंड विजय आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 5:1। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ। इफ वैल्यू ऑफ मशीनरी इन द बैलेंस शीट इज अंडर वैल्यू 20%, व्हाट विल बी द वैल्यू, विल मशीनरी बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, इन द न्यू बैलेंस शीट। बेटे बताओ
आप सब लोग बताओ मेरे को, मैं आप लोगों को बार बार कह रहा था कि मैं बैलेंस शीट आपको इसलिए करवा रहा हूं कि वो वन मार्कर में आपसे उसका इफेक्ट पूछ सकता है। आपको वो कोई भी क्वेश्चन देगा वन मार्कर में और कहेगा बस ये बता दो कि नई बैलेंस शीट के अंदर मशीनरी की क्या वैल्यू होगी। अब यहां पे देखो बेटे, वो क्वेश्चन सैंपल में आ चुका है। हमने ये बात आप लोगों से एडमिशन करते वक्त ही डिस्कस की थी कि ठीक है, वो हम लोगों से अभी बैलेंस शीट नहीं बनवा रहा है, लेकिन वो हमसे ये जरूर पूछ लेगा कि रिवैल्यूएशन करने के बाद नई बैलेंस शीट के अंदर इसका क्या इफेक्ट आया। देख लो बेटे, वो क्वेश्चन यहां पर आ चुका है, वो क्वेश्चन आपके सामने है बेटे। निशांत ने आंसर भी निकाल दिया बेटे, शाबाश बेटे, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रेक्स टेक्स एंड फ्लेक्स आर पार्टनर्स इन द फर्म। डिजीज पार्टनर की बात आ गई, डेथ का क्वेश्चन आ गया बेटे। रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर विल क्रिएट अ सिचुएशन फॉर द कंटिन्यूइंग पार्टनर व्हिच इज नोन एज, रिटायरमेंट और डेथ लिख दो बेटे। नेक्स्ट बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाउंटेंट ऑफ द डिजीज पार्टनर, डेथ की बात हो रही बेटे, डेजोल्यूशन की बात हो रही है बेटे, नहीं, मिनिमम अमाउंट ऑफ 80,000 एज ए शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर डेफिशिएंसी, नहीं बेटे, फंडामेंटल्स की बात हो रही है, गारंटी ऑफ अ पार्टनर, गारंटी ऑफ अ पार्टनर आ गया बेटे, गारंटी ऑफ अ पार्टनर, फंडामेंटल्स। पिक द ऑड वन आउट, ये बेटे इस पर नई चीज आई, ये बेटा नई चीज, आज तक जो सैंपल पर आए उसमें ये नहीं था बेटे। पिक द ऑड वन आउट, रेंट टू अ पार्टनर, रेंट टू पार्टनर, मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। बेटे मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर जो है वो अलग है बेटे, और सारी पार्टनर्स की बात हो रही है। हाँ बेटे साहिल, बिल्कुल ठीक है बेटे। बेटे देखो, एनपीओ के अंदर हम लोगों को पता ही है कि हमारे पास चॉइस आनी है, फंड बेस अकाउंटिंग के अंदर, फंड बेस अकाउंटिंग के अंदर, और बेटे सब्सक्रिप्शन के अंदर, ये हम लोगों को पहले से पता है कि यहाँ पर चॉइस आनी आनी, और वही चल रहा है बेटे। इस बार भी वहां उन्होंने कुछ चेंज नहीं किया, इस बार भी यहाँ पर चॉइस डाली है बेटे, या तो आप फंड बेस अकाउंटिंग करें, मैंने आपको क्रेडिटर्स वाले 6 के 6 केस लिखवा रखे हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग क्रेडिटर्स, वो सारी बातें यहाँ चल रही है। दोनों में चॉइस है बेटे, या तो आप सब्सक्रिप्शन बना लें या फिर आप फंड बेस अकाउंटिंग कर ले, 3 नंबर के, ठीक है सर। यानी सर इसके ऊपर भी हम लोग लिख लें एनपीओ। अब आप देख लें बेटे एनपीओ कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके साथ चल रहा है। एडजस्टमेंट एंट्री, सर आ गई सर, पास एडजस्टमेंट आ गई सर, पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आ गया बेटे, आना ही आना है, इसके बिना क्वेश्चन पेपर बनेगा कैसे सर। साथ में चॉइस भी है सर, साथ में चॉइस भी है सर, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली चॉइस आ गई। कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल, आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाता है। जी सर, ओके सर, तो आपके पास चॉइस बेटे, पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन कर ले या फिर आप लोग ओपनिंग कैपिटल निकाल दें, लेकिन यहां क्या लिखा हुआ है, शो योर वर्किंग्स क्लियरली। इसका मतलब ये है बेटे कि जब आप लोग ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो आप फॉर्मूले को साफ साफ लिखेंगे, फॉर्मूला लिखने के बाद उसके अंदर वैल्यूज को लिखेंगे और उसके बाद आप लोग उनको फाइनल आंसर निकाल कर देंगे, ठीक है सर। ये देखो बेटे, ये देखो बेटे, इस बार मिसिंग वैल्यूज बेटा, मिसिंग वैल्यूज आ रही फोर्थ फीचर में, एंट्री आपके सामने चल रही है। एक बार सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को भूल जाओ, एक बार भूल जाओ बेटे, अभी तक हमने जहां तक किया, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर अकाउंट टू शेयर
अनपेड कॉल अकाउंट या कॉल इन एरियर्स, वो एक ही बात होती है, दो अलग अलग तरीके हैं उसको दिखाने के। ठीक है बेटे, कॉल इन एरियर्स लिख दें या कॉल अनपेड कॉल लिख दें, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, कुछ भी। नरेशन पढ़ो बेटा, बीइंग डैश क्वेश्चन मार्क डैश शेयर्स फोरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ डैश डैश इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। अब बच्चों को सोचना है शेयर कैपिटल में कितना लिखें, फोरफीचर पे कितना लिखें। नेक्स्ट एंट्री री इशू की, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नेक्स्ट एंट्री शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। अरे सर ये तो एंट्रीज तो जानी पहचानी लग रही हैं, लेकिन सर अमाउंट कैसे निकलेगा? बेटे अभी तो हमें वो सब बातें डिस्कस करनी है क्वेश्चन में, अभी तो हम लोग इश्यू ऑफ शेयर्स कर ही रहे हैं और हम मिसिंग वैल्यूज पर आ जाएंगे फोरफीचर खत्म करके। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यहां पे देखो बेटे टाइम आप लोगों का लगेगा, ऐसे क्वेश्चंस में टाइम लगता है बेटे। नीचे देखो फोरफीचर अकाउंट भी बना दिया मैंने आपको, कल वाली क्लास में फोरफीचर अकाउंट बना के दिखाया है, शेयर फोरफीचर अकाउंट हमने लास्ट क्लास में ही बना के देखा है बच्चों। और देखो इस बार शेयर फोरफीचर अकाउंट नीचे बना है और वहां फर्स्ट क्वेश्चन पे शेयर कैपिटल के आगे क्वेश्चन मार्क भी लगा है। यानी सर अगर मिसिंग वैल्यूज आएगी तो हमारा वहां टाइम जरूर लगेगा बेटा, 100% लगेगा। ये मिसिंग वैल्यूज वाले क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होते हैं, तो आपको यहाँ पर अच्छे से अपने टाइम को बचा के चलना है और यूटिलाइज करना है, जिससे कि आप यहाँ जल्दी जल्दी वैल्यूज को निकाल दें। ओके सर, लेकिन मिसिंग वैल्यू आ गया बेटा, फिर लिखो कंपनी। सर जर्नल एंट्रीज आ गई, डिसोल्यूशन की जर्नल एंट्रीज आ गई सर। रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ ₹5,000 वर टू बी बॉर्न बाय एक्स अ पार्टनर, हाउएवर इट वाज पेड बाय वाई। एक पार्टनर का एक्सपेंस दूसरा पार्टनर पे कर रहा है, यानी सर एक्स से हम लोगों को लेना पड़ेगा और वाई को देना पड़ेगा। यस बेटे आप लोगों ने ये सारी एंट्रीज कर रखी हैं बेटे। साहिल बिल्कुल ठीक है बेटे, शाबाश शाबाश। एक्स टू वाई, इन्वेस्टमेंट वाली बात भी हो चुकी है, वाई का लोन भी हो चुका है, सेटल हुआ है, मशीनरी की बात हो गई है। सर हमारे को एंट्रीज अच्छे से आनी चाहिए बेटे। 4 नंबर का क्वेश्चन है डिसोल्यूशन। सर अभी तक के पेपर में 2 बातें तो क्लियर हो गई हैं, उन लोगों ने फोकस रख दिया है एनपीओ पे, डिसोल्यूशन पे और कंपनी अकाउंट्स पे। बेटे कंपनी अकाउंट्स पे ज्यादा फोकस, डेजोल्यूशन पे ज्यादा फोकस, एनपीओ पे ज्यादा फोकस। क्यों? क्योंकि बेटे यहां से कुछ भी नहीं हटाया गया। कंपनी अकाउंट्स में रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर को हटाने के बाद उसकी वेटेज को भी इसी चैप्टर पे ला दिया गया, इश्यू ऑफ शेयर्स पर और इश्यू ऑफ डिबेंचर्स पर। यहाँ पे जो 6 नंबर में क्वेश्चन ये चैप्टर आ रहा था उसको यहां से हटा दिया गया, तो अब उस वेटेज को इन्हीं 2 क्वेश्चन के ऊपर डाल दिया गया। यानी सर ये दोनों चैप्टर की वेटेज इस साल इंक्रीज हो गई। तभी तो देखो बेटे आपके सामने कंपनी अकाउंट से कितने क्वेश्चन आ चुके हैं, डिसोल्यूशन के कितने क्वेश्चन आ चुके हैं, एनपीओ कितने क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये बात तो हम सारे टीचर्स को और सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ रही है कि सर इस बार जो ज्यादा फोकस रहने वाला है वो एनपीओ पे रहने वाला है, डिसोल्यूशन पे रहने वाला है और कंपनी अकाउंट्स पे रहने वाला है। हाँ बेटा नेक्स्ट पॉइंट, ए बी एंड सी अजय विनोद एंड चंद्रा एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2019 विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज दिस एंड दिस। इन एडिशन टू द कैपिटल चंद्रा हैज एडवांस अ लोन ऑफ 1 लाख। सर फंडामेंटल आ गया, सर फंडामेंटल्स आ गया। यहाँ पे इनके बीच में लड़ाइयां चल रही हैं, हमारे को पूरे चैप्टर की थ्योरी अच्छे से पता होनी चाहिए तभी हम इन रिजॉल्व कर पाएंगे इश्यूज को। हाँ बेटे, तो सर हमारे को क्या प्रैक्टिकली भी सॉल्व करके बताना पड़ेगा? बेटे बिल्कुल बताना पड़ेगा। अजय वांटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड एट 8% पर एनम, बट विनोद एंड चंद्रा डिड नॉट एग्री। लेकिन वो मान नहीं रहे, विनोद और चंद्रा नहीं मान रहे हैं। तो बेटे अगर विनोद और चंद्रा नहीं मान रहे हैं और ये 8% का यहाँ पर इंटरेस्ट है, तो अब हम क्या करेंगे? तो बेटे आपको इन सारे इश्यूज को रिजोल्व करना है, आपको पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग इन सारी बातों को देखना है। ओके सर,
बिल्कुल ठीक है सर, अच्छे से क्वेश्चन को देखें आप लोग, फंडामेंटल यहां पर फिर आ गया। जी सर, आप लिख दें यहां पर फंडामेंटल, यानी सर एक तरीके से देखा जाए तो ये फंडामेंटल की थ्योरी आ गई। कितने मार्क्स में? 4 नंबर। अब मुझे बताओ बेटे, सिर्फ थ्योरी को इग्नोर कर देंगे, अगर आप थ्योरी को इग्नोर कर दोगे तो कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे? हाँ सर, यानी थ्योरी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। पहले 13 नंबर के क्वेश्चंस, फिर 23 से 29 तक वाले क्वेश्चंस, ओके सर, आ जाओ बेटे। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ, 6 मार्क्स। अरे सर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया सर, 6 नंबर। ओपनिंग बैलेंस शीट दी है, टूर्नामेंट फंड, मेडिकल इक्विपमेंट, लाइबिलिटी, एसेट्स, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन, लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन इस हिसाब से होगा, 600 मेंबर्स हैं, 100 रुपये हर कोई पे कर रहा है, यानी इस साल का सब्सक्रिप्शन 60,000 होना चाहिए। सब्सक्रिप्शन आया है ये, इसमें पहले वाला भी कुछ इंक्लूड होगा। ओके सर, सर सिंपल क्वेश्चन था, हम लोगों को यहाँ पर 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया सर, सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। प्रिपेयर इनकम मैनेजमेंट सर, फिर एनपीओ आ गया, क्वेश्चन नंबर 19 में भी एनपीओ आ गया। हाँ बेटे, क्वेश्चन नंबर 19 में भी एनपीओ आ गया। आगे चले सर, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, हमने बिल्डिंग परचेज कर ली, प्लांट, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल्स, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये बुक वैल्यू और ये एग्रीड वैल्यू है, एग्रीमेंट हुआ है एसेट्स और लाइबिलिटीज को टेक ओवर करने का। 7 लाख रुपए हम लोग चेक से दे रहे हैं, बाकी के लिए 2 लाख के डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं प्रीमियम पर, यानी सर अदर देन कैश वाला क्वेश्चन आ गया, अदर देन कैश वाला क्वेश्चन आ गया सर। तो सर ये अदर देन कैश वाला जो क्वेश्चन है ये डिवेंचर्स वाले चैप्टर में भी है? हाँ बेटे, ये टॉपिक वहां पर भी, अदर देन कैश, अभी आप पढ़कर आए हो इश्यू ऑफ शेयर्स में, मैंने सारे क्वेश्चन कराए हैं आप लोगों को अदर देन कैश के। हाँ सर, जहां एसेट्स को डेबिट करना है, लाइबिलिटीज को क्रेडिट करना है, परचेज कंसिडरेशन को क्रेडिट करना है, अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आएगी तो गुडविल और क्रेडिट साइड आएगी तो कैपिटल रिजर्व। हाँ बेटे बिल्कुल, अदर देन कैश सर, फिर इश्यू ऑफ शेयर्स आ गया, मतलब इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, कंपनी अकाउंट्स सर, फिर कंपनी अकाउंट्स आ गया सर। सेकंड पार्ट बेटे, 6 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का ये है, 3 नंबर का नीचे क्वेश्चन दिया सर, ये भी इश्यू ऑफ डिबेंचर आ गया सर। मैंने आपको क्या बोला बच्चों, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर हटाने के बाद उसकी वेटेज इन्हीं दो चैप्टर्स पे डाल दी गई, इश्यू ऑफ शेयर्स पर और इश्यू ऑफ डिबेंचर पर। देखो बेटे, इश्यू ऑफ डिबेंचर का क्वेश्चन आ गया, आसान क्वेश्चन नहीं है बेटे, दोनों सामने जो रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 20 आसान नहीं है, जब आप करोगे तब समझ में आएगा, इतनी कैलकुलेशंस यहां पर दे दी उसने बेटे। देखो 8% का डिबेंचर दे दिया, 5% प्रीमियम दे दिया, रिडम्पशन के टाइम भी प्रीमियम दे दिया, और 5 साल का टाइम पीरियड, 5 साल के एंट्रीज करते रहो, 5 साल के एंट्रीज करो, ओवर सब्सक्राइब भी करा दिया क्वेश्चन को, ओवर सब्सक्राइब भी करा दिया, प्रपोर्शनेटली शेयर्स दे रहे हो, सिक्योरिटी प्रीमियम को यूटिलाइज भी करना है। देखो बेटे, राइटिंग ऑफ लॉस भी करना है, वाह वाह, गिव जर्नल एंट्रीज फॉर द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एंड राइटिंग ऑफ लॉस, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स को मर्ज कर दिया बेटे, दो तीन टॉपिक्स को यहाँ मर्ज करके क्वेश्चन बनाया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है बेटे। हॉट्स के क्वेश्चन ये बच्चों को फंसाते हैं, यहाँ पर मीडियोकर बच्चा नहीं कुछ कर पाएगा बेटे, यहाँ फंस जाएगा बच्चा, यहाँ वही बच्चे काम कर पाएंगे इन क्वेश्चन के अंदर जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई करी है बेटे। आगे चलें बेटे, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, सर एडमिशन का क्वेश्चन आया, एडमिशन का क्वेश्चन आया, लेकिन बेटे देखो क्या किया उन्होंने,
जर्नलाइज सर, जर्नल एंट्रीज पूछ ली हैं, यानी सर हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ट्रांसफर सबके लिए जर्नल एंट्री करनी है। हाँ बेटे, क्वेश्चन को पढ़ के देखो एक बार। सुनैना एंड तमन्ना आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। बैलेंस शीट दी गई है 31 मार्च 2020 की, करंट अकाउंट भी दे दिया बेटे, कैपिटल अकाउंट भी दे दिया, यानी वो फिक्स कैपिटल सिस्टम में है बेटे। जनरल रिजर्व दिया है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है, क्रेडिटर्स दिए हैं, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, डेटर्स, प्रोविजन, स्टॉक, कैश, गुडविल, ऑलरेडी अपियर गुडविल, राइट ऑफ करना पड़ेगा। दे एग्री टू एडमिट प्रणव इन टू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन 1 अप्रैल 2020 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, ऑल डेटर्स आर गुड। सारे डेटर्स अगर गुड हैं तो इस प्रोविजन को हटाना पड़ेगा। प्रोविजन क्यों बनाया हुआ फिर आप लोगों ने, सारे डेटर्स गुड हैं तो प्रोविजन हटाओ। रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ डालना पड़ेगा, लाइबिलिटी कम हो रही है, लाइबिलिटी कम हो रही है सर, क्रेडिट साइड डालना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट्स यहाँ कम होती हैं, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, एसेट्स इंक्रीज होती हैं, लाइबिलिटी कम होती है। ओके सर, तो सर अब हमारे को क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है। बेटे मैंने आपको क्या बताया था, जब एंट्रीज करनी पड़े तो साइड में रफली बना लो जिससे गलती होने के चांस कम हो जाए, और एंटी क्लॉकवाइज चले, एंटी क्लॉकवाइज। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हो रही है, रिड्यूस हो रही है, लाइबिलिटी वर्कमैन कंपनसेशन फंड 20,000 रुपए डिटरमाइन की गई है, विच इज टू बी पेड लेटर इन द ईयर, इस साल पे कर दी जाएगी। अनिल जिसके पास 40,000 रुपए है उसको पे किया गया, ऑलरेडी इंक्लूड इन द क्रेडिटर्स। एक उसको बिल ऑफ एक्सचेंज दिया गया था जो उसने एक्सेप्ट किया हुआ था हम लोगों ने। 1,00,000 रुपए की कैपिटल आ रही है, 10,000 का प्रीमियम आ रहा है। सर क्वेश्चन तो आसान है लेकिन करते वक्त समझ में आएगा। हाँ बेटे, करते वक्त आपको समझ में आएगा और ये नहीं पता लगेगा कि आपने क्वेश्चन ठीक किया कि गलत, क्योंकि बैलेंस शीट तो नहीं है, बैलेंस शीट तो नहीं है बच्चों, देखो बैलेंस शीट तो नहीं है, आपको सिर्फ एंट्रीज पास करनी है। तो इतनी समझदारी से एंट्रीज पास करनी है कि आपको पता लग जाए कि आपने कोई गलती नहीं करी है। ठीक है सर, चॉइस में देखो बेटा, चॉइस में सर ये क्या हो गया, चॉइस में हम लोगों को क्वेश्चन दिया गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दी गई, रिटायरमेंट का क्वेश्चन आ रहा है, और सर देखो सीबीएसई अपनी बात से पलट गया। ये देखो सर, सीबीएसई ने यहां पर क्या दे दिया, बैलेंस शीट। अरे सर इसका मतलब एडमिशन से बैलेंस शीट को हटा दिया लेकिन रिटायरमेंट से बैलेंस शीट को नहीं हटाया। अरे सर ये तो बैलेंस शीट आ गई। हाँ बेटे आपके पास बैलेंस शीट आ गई, ये सस्पेंस खत्म कर दिया सीबीएसई ने। उसने कहा कि अगर हम ऐसे करेंगे तो बेटे चॉइस कैसे बनाएंगे। यहां उसने अपनी मंशा को क्लियर कर दिया है और हम लोगों को अब उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है। उसने अपनी बात को क्लियर कर दिया है बच्चों, और उसने कह दिया है कि हम आपसे बैलेंस शीट पूछेंगे, पूछेंगे मतलब आपसे बोर्ड में पूछी जा सकती है बैलेंस शीट। ओके सर, यानी बच्चे अब क्या करेंगे, बच्चे अब समझ चुके हैं कि हमारे को रिटायरमेंट वाले चैप्टर के अंदर बैलेंस शीट को पढ़ना है। ठीक है सर, क्वेश्चन देखो बेटे, यहां पर ही बहुत बढ़िया क्वेश्चन उसने बना दिया है। प्रीमिसेस एप्रिशिएट कर रहे हैं 20% से, स्टॉक डेप्रिशिएट कर रहा है 10% से, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स मेंटेन करने हैं 5% से, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस इंक्रीज करने हैं 1,200 रुपए से, फर्नीचर को इंक्रीज करना है 45,000 तक, टू वर्ड लिखा हुआ उसके आगे, फर्म की गुडविल 42,000 वैल्यू की गई, 26,000 रुपए उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है लोन अकाउंट में, और बाकी के पैसे को उसको पे कर देना है बैंक से। और अगर आपके बैंक के अंदर पैसा कम है तो बेटे आप लोन ले लें, आप लोन ले लें बेटे बैंक से, और 100% आपको लोन लेना पड़ जाएगा, और वो लोन जो आप बैंक से लेंगे वो आपकी बैलेंस शीट में आएगा। ओके सर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटे, इंपॉर्टेंट लिखो इसके।
यानी उतना आसान पेपर नहीं आ रहा है। आप देख लें बेटे, पेपर बहुत घुमा के दे दिया है। अगर ये पेपर बच्चों के सामने आ जाए तो बच्चे उतना आसान नहीं होगा इसको अटेम्प्ट करना। वैल्यूज बहुत गड़बड़ आएंगे यहाँ पर, बहुत गड़बड़ वैल्यूज आएंगे जब आप ये कैलकुलेशन करेंगे। देखो बेटे, 6,000, 80,000, 46,000, वैल्यूज बहुत गड़बड़ आएंगे यहाँ पर। आप जब इन सारी वैल्यूज को डालेंगे, फर्म की गुडविल 42,000 दी है बेटे, 26,000 रुपया लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है, बाकी के पैसे को बैंक से दे दो। और हमें ये सोचना पड़ेगा कि लोन अकाउंट के बाद मेरे पास बैंक तो सिर्फ 7,600 रुपए का है, मान लो उसको 1,00,000 रुपए वापस करने हैं, मैंने 26,000 उसके लोन में डाल दिए, बाकी रह गए 74, मेरे पास तो अवेलेबल ही 76 हैं। बाकी की शॉर्टेज क्या करूंगा? बाकी की शॉर्टेज के लिए आपको लोन लेना, आपको लोन लेना है बेटे बाकी की शॉर्टेज के लिए। ठीक है सर। सर आ गया क्वेश्चन प्रोराटा का। बेटे प्रोराटा का क्वेश्चन आ गया आपके सामने, क्वेश्चन है और आप देखें कि यहां पर प्रोराटा का जो सबसे बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, इन्होंने वही आपके लिए सामने छोड़ दिया। तीन कैटेगरी बना दी है प्रोराटा के अंदर, दो कैटेगरी तो समझ में आती थी, तीन तीन कैटेगरी के क्वेश्चन आपके सामने ला रहे हैं, और प्रीमियम वाला ही प्रोराटा आपके सामने आ रहा है, विदाउट प्रीमियम का नहीं लेकर आए। हर साल ऐसा ही प्रोराटा का क्वेश्चन देते हैं और वही इस साल भी इन लोगों ने रखा है, कोई चेंज नहीं आया बेटे यहां पर ज्यादा, लेकिन आपके लिए कैलकुलेशन बहुत बढ़ा दी है, कैलकुलेशन ज्यादा है बेटे, इसलिए इस क्वेश्चन में बहुत टाइम लगता है, और यही वो क्वेश्चन है जो बच्चों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्रिएट करेगा। पार्ट बी, अलग अलग कैटेगरी में शेयर होल्डर्स को डाल दिया है, एक शेयर होल्डर इस कैटेगरी में है, एक शेयर होल्डर इस कैटेगरी में, दो वर्किंग नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है सर, जब आएंगे तो इस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन पेपर उतना आसान नहीं है बच्चों। जर्नलाइज एंट्रीज जर्नलाइज करवा रहा है सारी, तो देखा जाए तो सीबीएसई ने बहुत मॉडरेट पेपर बनाए, अच्छे बच्चों के लिए अच्छे क्वेश्चन डाले हैं, सिर्फ बच्चों को पास कराना। हाँ बेटे निशांत, मैं आपको बेटे पहले से कहता आ रहा हूं कि पार्टनरशिप एक यूनिट है बेटा, यूनिट पार्टनरशिप की यूनिट 35 नंबर की है, हो सकता है गुडविल का क्वेश्चन आए, हो सकता है ना आए, तो बेटे जरूरी नहीं है। आप ऐसा मत मानो कि गुडविल आएगा ही आएगा, आप ऐसा मत मानो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा ही आएगा, तो वो तो डिपेंड करता है सिर्फ उसके पेपर के बनाने के तरीके पर बेटे। हो सकता है गुडविल आपके सामने 6 नंबर में आ जाए, 4 नंबर में आ जाए, 3 नंबर में आ जाए, और नहीं आने को, जैसे यहां नहीं आया है बेटे, नहीं भी आया, तो यूनिट के अंदर जहां पर यूनिट का बाइफ्रिगेशन होता है, वहां पर सिर्फ पीछे गए एग्जाम के बेसिस पर हम मार्क्स के अलॉटमेंट कर लेते हैं। अब कंपनी अकाउंट्स 25 नंबर की, अब कंपनी अकाउंट्स में 25 नंबर में वो क्या दे दे हमें नहीं पता। अगर आप लोगों ने इकोनॉमिक्स का सैंपल पेपर देखा हो तो बेटे वहां नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं, जो इस बार भी बोर्ड में हुआ था, नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया नहीं था, इस बार सैंपल पेपर में भी नहीं आया है, देखो आप उसको अच्छे से। तो ये बेटे कुछ नहीं कहा जा सकता, सीबीएसई के मूड पे डिपेंड करेगा वो पेपर किस तरीके से बना रहा है, ये तो एक सैंपल उसने दे दिया है कि वो इस तरीके से सोच रहा है, तो आपको तैयारी उस तरीके से ही करनी है कि आने को वो चैप्टर आ जाए, नहीं आने को नहीं आए। बेटे पार्ट बी पर आएंगे अभी हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23 पर, ये चैप्टर नंबर 1 है बेटे हमारा एनालिसिस का, नहीं, कैश फ्लो है बेटे, चैप्टर नंबर 5 कैश फ्लो स्टेटमेंट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटे, मजा आ गया क्वेश्चन देख के, बच्चों को दिमाग लगाना पड़ेगा। हाफ ईयरली बेटे, हाफ ईयरली इंटरेस्ट निकालना है, आधे आधे साल का, एक बार इंटरेस्ट से नहीं निकालना, हाफ ईयरली इंटरेस्ट निकालना है, पहले 6 महीने फिर 6 महीने। व्हाट विल बी द करंट रेशियो ऑफ अ कंपनी हुज नेट वर्किंग कैपिटल इज जीरो। क्या धमाकेदार क्वेश्चन है, कह रहा है ऐसी कंपनी बताओ जिसकी नेट वर्किंग कैपिटल जीरो होगी, वहां करंट रेशियो क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म पार्ट ऑफ फाइनेंस कॉस्ट, चैप्टर नंबर 1
ये रेशियो से क्वेश्चन है बेटे, कैश फ्लो स्टेटमेंट, मतलब जो मुश्किल चैप्टर है बेटे वहीं से इसने एमसीक्यू उठाए हैं। रेशियो, प्रपोज डिविडेंड इज अ डैश लाइबिलिटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो बेटे क्वेश्चन देखो, द डैश मे इंडिकेट दैट द फर्म इज एक्सपीरियंसिंग स्टॉक आउट एंड लॉस्ट सेल्स। बेटे स्टॉक आउट और लॉस्ट सेल के टाइम पर उसको क्या एक्सपीरियंस होगा, वो कौन सी रेशियो कैलकुलेट करेगी, एवरेज पेमेंट पीरियड, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, एवरेज कलेक्शन पीरियड या क्विक रेशियो। इन सब के सिग्निफिकेंस अगर आपको पता होंगे तो आप इसका आंसर दे पाएंगे, यानी आपको सारी रेशियो के सिग्निफिकेंस पता होंगे तो आप आंसर दे पाएंगे बच्चे, वरना नहीं दे पाएंगे। नेक्स्ट बेटे, फिर एक रेशियो का क्वेश्चन, फिर रेशियो क्वेश्चन, क्या जबरदस्त क्वेश्चन है बेटे। अगर वो बिल्स पेबल रीपे करेगा तो करंट रेशियो क्या होगी, गुड्स को क्रेडिट पे परचेज करेगा तो रेशियो क्या होगी, शॉर्ट टर्म लोन ले लेगा तो रेशियो क्या होगी। बेटे ये हॉर्स के क्वेश्चन है सारे, बहुत जबरदस्त पेपर है। नेक्स्ट देखो बेटा, ये भी रेशियो का क्वेश्चन, और यहां पे हमसे पूछी गई है प्रोप्राइटरी रेशियो, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, लेकिन बुक का क्वेश्चन है तो बच्चे कर लेंगे इसको, ये बुक का क्वेश्चन है टीएस ग्रेवल का, बच्चे आराम से कर लेंगे। ये बेटे वो चैप्टर है कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो बच्चों को पास होने के लिए दिया हुआ है, ये चार नंबर नलायक से नलायक बच्चा करेगा बेटे, क्योंकि उसको पास करना है, और बहुत आसान क्वेश्चन हर साल आता है, इस बार कंपार्टमेंट में भी आसान क्वेश्चन आया और अभी भी आसान क्वेश्चन दिया है, वेरी इजी, चॉइस भी बहुत आसान दी है बेटे। तो ये चार नंबर तो पास करने के लिए डाला जाता है बेटे, ये इजी कंटेंट है बेटे पेपर का। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आसान है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32 जो 6 मार्क्स का लास्ट क्वेश्चन है, इजी कह देंगे बेटे। ये भी कैश फ्लो का इजी क्वेश्चन दिया है, थोड़ी कैलकुलेशन जरूर है यहां पर लेकिन इजी क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन लेंदी है बेटे, आप देखो जरा हर जगह वर्किंग नोट है, 1 2 3 4 क्वेश्चन लेंदी बना दिया है, 5 6 क्वेश्चन आपके सामने लेंदी है बेटा, ये देखो 1 2 3 4 5 6 और दो एडजस्टमेंट भी थी, दो एडजस्टमेंट्स भी आपके सामने थी, तो क्वेश्चन लेंदी है लेकिन आसान। लेकिन सर यहाँ पे हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होगा, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से कर रखी होगी तो आप बेटे इसको कर पाएंगे। ओके सर, यानी पेपर हर साल की तरह बनाया गया, सैंपल पेपर हर साल की तरह दिया गया, पेपर में इजी कंटेंट भी रखा है, मुश्किल कंटेंट भी रखा है, और पेपर को मॉडरेट बनाया गया है कि कॉम्पिटिशन भी हो बच्चों के बीच में और बच्चे पास भी हो जाए। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बच्चे करने के बाद पास हो जाएंगे, लेकिन पेपर के अंदर मार्क्स लाना उतना आसान नहीं है बेटे, पेपर के अंदर मार्क्स